बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस फेम राकेश बापट 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। वे कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने टीवी की दुनिया में भी खास पहचान बनाई। फिल्मों की बात करें तो राकेश बापट पहली बार फिल्म तुम बिन में नजर आए थे। पहली ही फिल्म से उन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए। राकेश बापट को तुम बिन कैसे ऑफर हुई, इसके पीछे भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आइए आपको बताते हैं। राकेश बापट का जन्म 1 सितंबर 1978 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। राकेश बापट साल 1999 में हुए ग्रासिम मिस्टर इंडिया में रनर अप रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने विज्ञापनों का रुख किया। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले राकेश बापट विज्ञापनों में अच्छा काम कर रहे थे और यहीं से उनके लिए एक्टिंग के दरवाजे खुले। दरअसल हुआ ये कि एक टूथपेस्ट के विज्ञापन में राकेश बापट को देखने के बाद तुम बिन के निर्देशक अनुभव सिन्हा की पत्नी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर रत्ना सिंह उनसे बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने अनुभव सिन्हा से राकेश को फिल्म में लेने की बात कही और इस तरह राकेश बापट को यह फिल्म मिली। इसके बाद राकेश बापट साल 2002 में दिल विल प्यार व्यार में नजर आए। इसके बाद उन्होंने तुमसे मिलके, रॉन्ग नंबर, कौन है जो सपनों में आया, नाम गुम जाएगा और कोई दिल में है जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिल्म तुम बिन के बाद राकेश बापट की अच्छी खासी पहचान बनी और उन्हें फिल्मों के भी खूब ऑफर मिले, मगर वह तुम बिन जैसा कमाल नहीं दिखा पाए। बड़े पर्दे पर उन्हें मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। राकेश बापट ने मर्यादा लेकिन कब तक जैसे धारावाहिक से खूब लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 7, कबूल है, तू आशिकी, नच बलिए 6, बहू हमारी रजनीकांत और इश्क में मरजामा जैसे शोज में भी काम किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सो मर्यादा लेकिन कब तक के दौरान राकेश बापट की मुलाकात रिद्धि डोगरा से हुई, जो शो में लीड रोल प्ले कर रही थी। दोनों दोस्त बने और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। करीब एक साल रिलेशन में रहने के बाद मई 2011 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के करीब 8 साल बाद ही राकेश और रिद्धि के बीच अनबन की खबरें आने लगी। 2019 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। राकेश बापट और रिद्धि ने संयुक्त बयान जारी कर अलग होने का आधिकारिक ऐलान किया था। आपको बता दें कि रिद्धि डोगरा रिश्ते में दिवंगत नेता अरुण जेटली की भतीजी हैं। इसके बाद राकेश बापट बिग बॉस OTT में नजर आए। यहां उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता। इसी दौरान समिता सेट्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी और दोनों रिलेशनशिप में रहे। हालांकि अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप के बाद दोनों तेरे बीच रब्दिस्ता गाने में एक साथ नजर आ चुके हैं। वैसे इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इंटरटेनमेंट से भरपूर इस तरह की वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।